हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हमें रिलेशनल ऑपरेटर्स समझने हैं। पिछला जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझे थे और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट की है जिसमें आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर कर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना था। अब मैं आपको एक रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर ट्यूटोरियल दूंगी, बताऊंगी कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर मैं आपको वो सारे सी में कोड कर कर दिखाऊंगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वो दोबारा से प्रोग्राम एक बार ज़रूर बनाएं। इस प्रोग्राम के एंड में मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, एज द नेम सजेस्ट, रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि ये कोई एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है किसके बीच में। इस ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ है, इस ऑपरेटर के कुछ राइट साइड पे चीज़ है, ये ऑपरेटर बताएगा कि ये वैल्यू इससे लेस है, ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है, ये वैल्यू क्या है। सो दैट इज़ व्हाट जो मेरा रिलेशनल ऑपरेटर हमें बताता है। अब एक काम करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर हैं। पहला रिलेशनल ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए बच्चे, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो a इज़ इक्वल टू 5, और ये बड़ी कॉमनली मिस्टेक होती है, तो इसका मतलब जो आपका 5 है वो a में असाइन हो रहा है। बट जब आप करते हैं a डबल इक्वल टू 5, तो इसका मतलब कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना, और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, क्या वो इक्वल हैं कि नहीं, दैट इज़ व्हाट इट चेक्स। तो इस ऑपरेटर्स में ये जो डबल इक्वल टू है, ये चेक करेगा कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और जो मेरी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। डबल इक्वल टू मेरा ऑपरेटर है, तो मान लीजिए मेरी ए की वैल्यू, ए को एक वैल्यू दे देते हैं 10, बी को वैल्यू दे देते हैं 20। क्या ए और बी की वैल्यू सेम है? नहीं, इस केस में ये सेम नहीं है, तो ये मुझे क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये मुझे बोलेगा फॉल्स, ठीक है, या फिर जीरोज और वंस में डिनोट करेगा। सिमिलरली एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या चेक करेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो नॉट इक्वल है कि नहीं। तो इस केस में ये नॉट इक्वल है, तो ये करेक्ट सिचुएशन में लेके आएगा। इसीलिए एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन, एक ऑपरेटर है लेस देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेटर्स आपके डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, ये सभी के सभी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन जो भी चेक करते हो। अब हम प्रोग्राम में जाके देखते हैं कि किस तरह से हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो आइए हम इसका एक कोड बनाते हैं। अगर आप बना सकते हो मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिए आप इसे बनाने के लिए। एक काम करते हैं, हमने ए वेरिएबल लिया है नंबर 1। जैसे मैं पहले ट्यूटोरियल से फोकस कर रही हूँ, आप ए और बी मत यूज़ कीजिए प्लीज़। आप वेरिएबल नेम्स ऐसे यूज़ करो जिसका कोई मीनिंग निकल के आए। अब मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ किया डबल इक्वल टू, आइए इसे बनाते हैं एक साथ। अब अगर तो आप इसे ऐसे लिखते हो, कंपैरिजन प्रिंट होगा एज इट इज़, परसेंटेज डी आपको बताएगा कि राइट साइड पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, और जब आप इसे जब रन करते हो एक सेमी कॉलन लगाने के बाद, जब आप इसे रन करोगे तो ये आपको बताएगा कि कंपैरिजन ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब कि ये नहीं, ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं। ऐसे ही आप अगर 20 देते हो तो ये दोनों नंबर सेम है, तो दोनों नंबर्स क्योंकि सेम है, यहाँ पे आप जब आप रन कमांड को फिट करोगे तो ये बताएगा कि इसका कंपैरिजन 1 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमारे सेम हैं। अब एक और चीज़ करते हैं, हम इस परसेंटेज डी को यहाँ से रिमूव करके इसे रन करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ एक फॉर्मेटिंग चाहिए जिससे ये आउटपुट मेरा प्रिंट कर सके। तो परसेंटेज डी दिया, तो परसेंटेज डी के केस में ये आपको बता रहा था एक इंटीजर नंबर,
परसेंटेज एस दोगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपको ये जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये ट्रू या जो फॉल्स वैल्यू है वो रेंडर करता है। तो इस केस में हमें एक परसेंटेज डी देकर एक कंपैरिजन को फेच करना है, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को बड़े ध्यान से यूज़ कीजिए, परसेंटेज डी दिया तो ये रिटर्न करेगा कि कंपैरिजन वन, कि ये दोनों मैच हो गए हैं। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर बनाकर देखते हैं। हमने प्रिंट एफ दिया और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पे इसको एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए कंपैरिजन वन दे देते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इसको कंपैरिजन देंगे टू, और यहाँ पे देंगे परसेंटेज डी, और यहाँ पे कॉमा लगाकर हम चेक करेंगे कि मेरी जो नंबर वन की वैल्यू है नॉट इक्वल टू। सो ये ऑपरेटर क्या चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है और जो राइट साइड पे वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। तो एक बार हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देखोगे कि कंपैरिजन वन तो इसने प्रिंट किया वन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। कंपैरिजन टू के लिए उसने ज़ीरो प्रिंट किया, ठीक है। तो अभी हम इसको और रीडेबल बनाने के लिए इसके आगे स्लैश एन लगा सकते हैं, जिसे ये इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ऐसे ही हम एक और लगाते हैं कंडीशन, स्लैश एन कंपैरिजन थ्री परसेंटेज डी, और यहाँ कंपैरिजन लगाकर कॉमा लगाकर आपको इसको कोड को पूरा इंडेंटेड रखना है। हो सकता है तो आप मेरे साथ ये प्रोग्राम बनाएं साथ साथ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप साथ साथ ट्यूटोरियल के देख सकते हैं। तो मैं इनकरेज करूँगी कि आप ये मेरे साथ बनाइए। तो एक मैंने एक लेस देन का बनाया कोड एक सिमिलरली, कंपैरिजन फोर बनाकर परसेंटेज डी दिया, और यहाँ पे कॉमा देकर मैंने नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू के लिए चेक किया। हम इस जितना भी हमें प्रोग्राम लिखा है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जितना प्रोग्राम लिखते हो लाइन बाय लाइन उसको रन करके देखो कि वो क्या आउटपुट आपको जनरेट कर रहा है, क्या वो आउटपुट सही दे रहा है गलत दे रहा है। तो मेक श्योर आप अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखो इनिशियली और उसे रन करके भी देखिए। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं, स्लैश एन देकर कंपैरिजन फाइव देंगे, जिसमें हम नेक्स्ट ऑपरेटर लगाकर देखते हैं। लेस देन इक्वल टू नंबर टू, स्लैश एन देकर हमें यहाँ पर कंपैरिजन सिक्स देना है, और यहाँ पर हम इसको परसेंटेज डी देकर कॉमा लगा सकते हैं। यहाँ पे नंबर वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर टू, इसे सेमीकॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी, अपने प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है अभी तक रेंडर ठीक से कर रहा है। आप देख सकते हैं अभी तक हमारा जो आउटपुट है वो सारा सही आ रहा है। अब एक और चीज़ करते हैं, आगे चलते हैं, और यहाँ पे रन करने के बाद इसे इतना आउटपुट पहले देखेंगे कि ये ठीक से जनरेट हुआ, ठीक है, इसने आपका जो आउटपुट है वो सही से जनरेट किया। एक और काम करते हैं, हम लोग अपना लास्ट एक ऑपरेटर चेक करके देखते हैं। स्लैश एन लगाकर जिसमें हम एक स्ट्रिंग लेंगे, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक हार्ड कोडेड वैल्यू दी है, मैंने दिया है फोर लेस देन फाइव। ये हमें देखना है कि ये डायरेक्टली भी लेता है या ये सिर्फ वेरिएबल्स को लेता है। तो हमने इसको सेव करना है और इसको भी रन करना है। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आप देख सकते हो कि रन करने के बाद इसने मुझे आउटपुट दिया और इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि या तो आप अपने वैल्यूज़ को वेरिएबल्स में डालकर इस एक्सप्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली उसे नंबर्स पास कर भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये आपको आई होप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आइए मैं आपको इस पर एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ। इस असाइनमेंट में आपको दो नंबर्स बनाने हैं,
उस नंबर्स को बट आपने फ्लोटिंग रखना है. फ्लोट का मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने उसको डेसिमल नंबर ट्राई करना है. और यहाँ पे अगर आप फ्लोट नंबर, मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देती हूँ ये एक्सरसाइज किस तरह से बनेगी. 20.4 आप इसे दीजिए और फिर आप कंपैरिजन कीजिए दो फ्लोट नंबर्स का या एक फ्लोट और इंटीजर का, और उसे बना के देखिए कि आपको कोई एरर आ रहा है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखिए. इस ट्यूटोरियल में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स सीखे हैं. मेरे साथ बने रहिए, अगले ट्यूटोरियल में हम लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स समझने हैं कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और वो आप किस तरह से इस लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो अवे, गुड लक एंड टेक केयर.